कटनी के फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में आ रहा नाली का गंदा पानी, कटनी के जनप्रतिनिधियों द्वारा कराई गई है ये व्यवस्था। सुबह शाम घूमने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। पहले तो नाली के गंदे पानी में चलना पड़ता है, उसके बाद ग्राउंड के चक्कर भी लगाने में परेशानी हो रही है। जगह जगह भरा नाली का गंदा पानी। जनप्रतिनिधि फॉरेस्ट प्लेग्राउंड को सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास उनका ऐसा दिख रहा है जो ग्राउंड का पानी नाली में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आज उल्टा दिख रहा है। नाली का पानी पूरा ग्राउंड के अंदर आ रहा है, जबकि इसकी जानकारी कटनी महापौर से ली गई तो उन्होंने सुधार कार्य कराने का आश्वासन दिया है। PBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये जो नाली का पानी है ग्राउंड के अंदर जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? ये क्या है जो ये जो तोड़फोड़ की गई है, तो तोड़फोड़ करने वालों ने क्या किया कि नाली को पैक कर दिया है। अगर नाली खुली कर दी जाए तो पानी बाहर निकल जाएगा, और इसके कारण क्या जो जहाँ रोज शाम को घूमने आते हैं, जो खेलकूद करने आते हैं, उनको भी भारी परेशानी हो रही है और संक्रामक रोगों को फैलने का खतरा भी है। क्या नाम है भैया आपका? मुझे रामनारायण सेठिया कहते हैं। कौन से ग्राउंड है ये? फॉरेस्टर प्लेग्राउंड। तो पूरा पानी गंदा उसमें आ रहा है, उसमें क्या कहना है? उसमें तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हुए थे, देख रहे हैं कि क्या समस्या है वहाँ पर। पूरी नाली का पानी जो है ग्राउंड के अंदर जा रहा है, जिसमें घूमने वालों को भारी परेशानी होती है। वो हम कल भेजते हैं टीम को और दिखवाते हैं कि क्या समस्या है। बाकी वहाँ जो स्टेडियम का काम है तो चल रहा है, और बाकी जो समस्या है उसको कल दिखवाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।